नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव में नेताओं के प्रचार के साथ साथ दुआओं का भी दौर जारी है। जदयू के नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं जदयू के छात्र नेताओं ने हाईकोर्ट मजार पर चादर पोशी की और जदयू के लिए जीत की कामना की। कुछ दिनों पहले बीते दिनों लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे नेता और सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पे जो अभद्र भाषा, जो शोभनीय नहीं था, जो उन्होंने कहा विसर्जन करने की बात, उन्हें पता नहीं मानसिक संतुलन खो चुका है। पुत्र मुंह में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल, खास करके वैसे व्यक्ति के लिए जो 15 साल से इस सूबे में, इस राज में अमन चैन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे हैं, वैसे लोगों पर विसर्जन की बात करना अशोभनीय है। हम आज छात्र जनता दल यू के तमाम पदाधिकारी के साथ हाईकोर्ट मजार पर चादर पोशी करने आए, ताकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिमागी संतुलन ठीक रहे। और साथ ही साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं, कल वोटिंग है तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, वहाँ पर वहाँ के जनता से हम अपील करना चाहते हैं जो वो वोट करें, अमन पसंद लोगों को वोट करें, जनता दल यूनाइटेड को वोट करें, नीतीश कुमार को वोट करें, और हम लोगों की जीत वहाँ पे सुनिश्चित है। उसी के लिए आज हम लोग हाईकोर्ट मजार पे चादर पोशी करने आए, ताकि कुशेश्वर स्थान की जनता की जीत हो, जनता दल यूनाइटेड की जीत हो, नीतीश कुमार की जीत हो, तिरछाप की जीत हो। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।